ये मेन हाईवे से लगी हुई साइट है, पूरी डेंस पॉपुलेटेड रोड है, जा रहा है पूरी मार्केट है। हाँ दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी ए इंफ्राबाग पर, जहाँ पर एक नई प्रॉपर्टी लेकर के आ गए हैं और बहुत ही कम दूरी पे, बहुत ही अच्छी लोकेशन पे, जहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑलरेडी चारों तरफ मकान बने हैं, तो यहाँ पे आप मकान बनाकर भी रह सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करते हैं आसपास की लोकेलिटी में, तो पहले हम आपको वीडियो दिखाएंगे आसपास की लोकेलिटी में क्या क्या आ जा रहा है, उसके अंदर बात करते हैं हम लोग सारी डिटेलिंग में कि साइट पर क्या क्या सुविधाएं आपको मिल जा रही है। आज हमारे साथ में पांडे जी हैं जो इस साइट के बारे में आपको पूरी डिटेल देंगे, साइट पर क्या क्या सुविधाएं और कैसे यहाँ पे आप जमीन लेकर के मकान बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं रूट का मैप, उसके बाद में बात करते हैं सारी डिटेलिंग में साइट पे क्या क्या मिल जा रहा है। और अगर इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपने हमारा वीडियो पहली बार देखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। But this time I won't collide like I did yesterday. Que de ti, I got to stay away, got to stay away. Sé que como un trofeo quiere tenerme, pero I don't need no one. Que yo ya sé que de ti, I got to stay away, got to stay. जैसे कि अभी आपने देखा, हमने आपको रूट मैप दिखाया है, रूट पे क्या क्या चीज़ें पड़ जा रही है, और अभी हम लोग हैं साइट पे मौजूद, जहाँ पे आप आसपास में देख रहे हैं काफ़ी डेवलप है। आज हमारे साथ में पांडे जी हैं जो कि साइट के बारे में आपको बताएंगे, साइट की लोकेशन क्या रहती है और आसपास में क्या क्या लोकेलिटी में मिल जाता है। यहाँ पे हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, हमारी फैमिली को हाई कर दीजिए। हेलो व्यूअर्स, और हमारे दोस्तों को पहला तो इसकी लोकेशन रहती है, इसकी लोकेशन आती कहाँ है और यहाँ पर आ कैसे सकते हैं? ये मेन हाईवे से लगी हुई साइट है, मेन हाईवे से मात्र जो है 700 मीटर अंदर है ये। ठीक है, आपने फैजाबाद रोड पे गोल्डन ब्लॉसम देखा होगा, सफेदाबाद जैसे ही आप क्रॉस करते हैं और लखनऊ की तरफ एंटर करते हैं, ठीक है, तो सफेदाबाद फ्लाईओवर उतरने के बाद 400-500 मीटर आगे आते हैं तो आपका गोल्डन ब्लॉसम लॉन पड़ता है। ठीक है, उसी लॉन के जस्ट अपोजिट साइड में एक सड़क अंदर आई हुई है, मेन रोड से 700 मीटर अंदर, ठीक है, जो कि प्रॉपर बनी हुई रोड, प्रॉपर रोड है, डामर रोड है, 30 फीट की रोड है। ठीक है, आगे वो 40 फीट भी हो सकती है, तो अभी 30 फीट प्रॉपरली बना हुआ है और पूरी डेंस पॉपुलेटेड रोड है। ऐसा नहीं है कि कहीं आपको कुछ अगल बगल दिखेगा कि कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं है या कुछ भी नहीं, मतलब आसपास में आबादी है, काफी सारे लोग रह रहे हैं ऑलरेडी। अभी हम लोग यहाँ से बात करते हैं, जैसे यहाँ से नियरेस्ट में सुविधाओं के मामले में अगर बात करें, जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल हो गए, तो इन सब की क्या दूरी आ जाती होगी और यहाँ से कितनी दूरी पड़ जाते होंगे? दीपक भाई, ये एरिया एकदम रेडी टू मूव इन है, हर एक चीज़ें आपको अगल बगल है, अगल बगल मिल जा रही है। जैसे इसी प्लॉटिंग में आपने आईफैक्ट अकेडमी देखा होगा, जैसे आप एंटर कर रहे हैं वो जो दिख रही है वो एक आईफैक्ट अकेडमी है आपका। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन जो पेपर्स होते हैं, जो बच्चे बैंक का पीओ और ये सब का एग्जाम ऑनलाइन जो देते हैं, वो सारे एग्जाम यहाँ कंडक्ट होते हैं। ठीक है, ठीक है, बाकी उसके बाद यहाँ से जैसे ही आप मेन हाईवे पे जा रहे हैं, पूरी मार्केट है, हाईवे पे हम लोगों ने देखा पूरी मार्केट है, मतलब आप यहाँ से जाएंगे तो अगल बगल आपको हर एक चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी, मतलब फल हो गया, सब्जी हो गई, ग्रोसरी हो गया, सब चीज़ें मिलेंगी आपको, बगल में उसके बगल में जस्ट बगल में गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुला हुआ है, जो अभी अभी इनॉग्रेटेड हुआ है, ओपन हुआ है। ठीक है, आगे जाएंगे रामस्वरूप आरबीएन कॉलेज है, रामस्वरूप है, मतलब 1 किलोमीटर के रेडियस में अगर आप देखेंगे तो आपको मॉल, कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, हर एक चीज अवेलेबल है, मतलब रहने के लिए जो जो सुविधाएं आपको चाहिए वो सारी 1 किलोमीटर की रेंज में यहाँ पे अवेलेबल मिल जा रही है। अभी मैं आपको एक और बात बताने वाला हूँ, ठीक है, जाए अभी हमारे आपके व्यूअर्स को शायद ये ना पता हो कि मटियारी से जो है एक फ्लाईओवर पास हुआ है,
ठीक है ठीक है, क्योंकि अभी इधर आपका तिवारीगंज एरिया और जो बीबीडी के पास जो जाम लगता था, तो क्योंकि ये सिक्स लेन बन रहा है, सिक्स लेन आपका जो बनना शुरू होगा ये सफेदाबाद से बनना शुरू होगा, ठीक है, ये गोल्डन ब्लॉसम से ही सिक्स लेन शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और मटियारी से ये डायरेक्ट फ्लाईओवर लेके आ रहे हैं जायका के पास निकाल रहे हैं। अच्छा, बीबीडी को पूरा रिंग रोड के पहले रिंग रोड किसान पथ के पहले उतर जाएगा, ठीक है ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ऊपर से पास हो जाएंगी। तो अब आने वाले समय में जो मार्केट डेवलपमेंट होना है या जो भी डेवलपमेंट उधर का डेवलपमेंट अब ठप हो जाएगा, क्योंकि फ्लाईओवर के नीचे जो है फिर ज्यादा डेवलपमेंट आता नहीं है। हाँ, सही बात है। अब जो भी डेवलप होना है वो रिंग रोड क्रॉस करने के बाद गोल्डन ब्लॉसम सफेदाबाद के बीच में होना, ठीक है, तो आने वाले 2-3 साल के अंदर जहाँ ये फ्लाईओवर और ये इसको प्रायोरिटी बेसिस पे करेंगे, क्योंकि जाम इतना ज्यादा और यहाँ पे सीएमएस भी आ गया उसकी वजह से बहुत ज्यादा जाम सीएमएस ओपन हो गया सीएमएस, तो इस वजह से इसको रिसेंटली 1-1.5 साल में करेंगे, और जिस दिन ये फ्लाईओवर होगा यहाँ पे मान के चलिए 400-500 रुपए का अप्रिसिएशन अपने आप आ जाना है हर प्रॉपर्टी। हाँ, हर प्रॉपर्टी पे रेट तो अच्छा खासा इंक्रीज हो, मार्केट अब ये हो जाएगा, फ्यूचर मार्केट आपका ये है। अब आने वाले समय भविष्य में जो भी मॉल्स या जो कुछ भी आने वाले सारे प्रपोज्ड अब इधर ही होंगे, क्योंकि फ्लाईओवर के नीचे कोई चीजें चलती नहीं है, ये आप भी जानते हैं, तो एक ये प्लस पॉइंट है इस एरिया का। अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ से प्रोजेक्ट में अगर देखा जाए, तो अभी आप लोगों ने जैसे मेन रोड की बात करते हैं या अंदर की रोडों की बात करें हम लोग, तो इनकी क्या साइजेस होंगी? दीपक भाई यहाँ पे हमने सारी रोडें 25 फीट की दी हुई। अच्छा, टोटल मतलब जो भी रोडें 25 फीट की है, 25 फीट की है, ठीक है, और आज नहीं आज के 4 साल पहले से हम यहाँ साइट कर रहे हैं। आप ये जितने मकान देख रहे हैं इधर, अच्छा, ये सारे मकान जो देख रहे हैं ये हमारी प्लानिंग में है, ये हम एक एक्सटेंशन कर रहे हैं, यहाँ में हमें कुछ जमीनें मिली हैं तो इसको हमने एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है, मतलब 3-4 बीघे का एक्सटेंशन है ये, बाकी ये सारे सोल्ड आउट है, ठीक है। इसमें जैसे आपको बता दूं आज के डेट में जो है कस्टमर के लिए 2-3 चीजें इम्पोर्टेंट होती हैं। पहली चीज़ ये इम्पोर्टेंट होती है कि उसको एक वाजिब रेट मिल जाए, बिल्कुल। दूसरा वो कब घर बना के, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है या जमीन को ले रहे हैं यार यहाँ पे हम रह कब सकते हैं, बिल्कुल, ये हर किसी का रहता है, हर किसी का, और दूसरा लोन है कि नहीं है, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे हैं। अच्छा, अगर आप नियर बाई रेट कंपेयर करेंगे हमारा रेट सबसे जेन्युइन है, ठीक है, और रहने के लिए आज आप मकान बनाइए ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, ऑलरेडी रह रहे हैं, और बिजली वगैरह हम लोग सुविधाओं की सारी सुविधाएं, बिजली यहाँ पे हम डामर रोड बना के देंगे, लाइट ऑलरेडी आ चुकी है, ट्रांसफार्मर लगा है, आप अपने व्यूअर्स को दिखा सकते हैं, ठीक है, रोड हमें डामर बना नाली बना के देंगे। अच्छा, ये दोनों काम करके देंगे। अभी एक्चुअली क्या, अभी डेवलपमेंट चल रहा है तो अभी रोड इसलिए नहीं बना रहे, बाद में वो डैमेज हो जाती है जी, बिल्कुल, ठीक है, तो जैसे ही अभी ये 10-20 घर और बन जाते हैं फिर हम रोड का काम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि रोड अगर यूज में नहीं आती तो रोड खराब होने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए बाकी जो बेसिक नेसेसिटीज है, लाइट है सबसे रिसेंट, लाइट में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, लोग रह रहे हैं, लाइट है, अवेलेबल है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा प्रोजेक्ट तो आपका काफी बड़ा है, काफी सारे फेस है इसमें, तो अगर इनके ओवरऑल टोटल की बात करते हैं तो टोटल कितने बीघे में सोसाइटी होगी? टोटल लमसम 25 बीघे के आसपास है, जो एक्सटेंशन लेकर के, अच्छा, जो अभी हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो वो 25 बीघे के आसपास हो जाएगा, 25 बीघे का। और इसमें अगर प्लॉट साइज की हम लोग बात करते हैं तो प्लॉट साइज क्या रखा है अपने? प्लॉट साइज हमारा जैसे 1000 स्क्वायर फीट का है, 20x50 है, 1500 का 30x50 है, मतलब 50 की डेप्थ है, तो उसमें आप कुछ भी सिलेक्ट कुछ भी साइज ले सकते हैं, 50 की डेप्थ फिक्स है, फ्रंट नहीं फिक्स, फ्रंट नहीं फिक्स, ठीक है। और साइड पे अगर देखा जाए, साइड पे तो काफी मकान बन गए हैं, काफी लोग रह रहे हैं ऑलरेडी, इसके अगर हम लोग प्राइसिंग की बात करते हैं तो प्राइस अभी आप लोगों ने क्या रखा है? प्राइस हमारा जो है 1599 रुपए का है, और अभी नवरात्रि में हम 100 रुपए का डिस्काउंट ऑफर करें, 99 रुपए का, अच्छा, हाँ, तो ये 1500 रुपए पे, मतलब 1500 रुपए स्क्वायर फीट अभी नवरात्रि में जमीन खरीदी जा सकती है, मिल जाएगा प्लॉट, और सबसे बड़ी बात है आपको प्लॉट परचेज करने के लिए भी लोन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मतलब परचेजिंग और पी प्लस ही दोनों ही लोन मिल जाएगा, दोनों लोन मिल जाएगा आपको, ये जो भी कंपनी ही करती है आईसीआईसीआई बैंक से, जो भी बैंक से ही आपका लोन हो जाता है। जैसे हमने अभी जो भी जमीनें देखा, ये सारी जमीनें क्या दाखिल खारिज है या आवासीय दर्ज? नहीं, सारी दाखिल खारिज है, ये जो भी जमीनें हैं टोटल दाखिल खारिज जमीनें आवासीय मिल जाती हैं। यहाँ अगर हम लोग रजिस्ट्री और पोजीशन की बात करते हैं तो रजिस्ट्री पोजीशन कब मिल जाता है हमें? तुरंत आपको रजिस्ट्री और तुरंत पोजीशन है। अच्छा, इमीडिएट। और बुकिंग अगर करना चाह रहे हैं, देखिए उसमें ये प्रोसेस है, अगर आपको क्या, आपको अगर महीने भर का हम समय देते हैं, महीने भर के अंदर आपको टोकन जो भी देना, टोकन आप 21,000 रुपए का ही टोकन कराइए, उसके बाद एक हफ्ते के अंदर आप रजिस्ट्री करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पहले बाउंड्री कराना हो पहले बाउंड्री करा लीजिए, मतलब ये सारे कब्जा तुरंत आप ले सकते हैं, कब्जा लीजिए, रजिस्ट्री कराए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको तुरंत हो सारी चीजें मिल जा रही है। दर्शकों, जैसे कि आपने देखा अभी पांडे जी ने आपको इस साइट के बारे में जानकारी दी, साइट पे क्या क्या डिटेल मिल जा रही है और कैसे यहाँ पे आप प्लॉट परचेस कर सकते हैं, बुकिंग अमाउंट भी जो कि बहुत ही कम है, मात्र 21,000 रुपए अपना प्लॉट देकर के बुक कर सकते हैं, प्राइस में भी आपको 100 रुपए का डिस्काउंट मिल जा रहा है, और ये लखनऊ टू फैजाबाद रोड के नियरेस्ट में आ जाती है, जहाँ पे में नियरेस्ट में काफी सारे मार्केट है, तो अगर इसको आप खरीदना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप प्लॉट लेना चाह रहे हैं अपना मकान बनाने के लिए, तुरंत जमीन खरीदना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपनी जमीन खरीद सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।